हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल नई उड़ान। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से। तो जैसे कि आपको पता है कि हाँ, हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हो चुका है तो उन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया होगा। एडमिशन आपका होते ही आपको 2-3 दिन का टाइम देती है जामिया जब आपका सिलेक्शन लिस्ट निकलती है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपका एकेडमिक कैलेंडर आया हुआ है कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी और कब कब आपका एग्ज़ाम होगा और नेक्स्ट सेशन कैसे सेशन वाइज चलने वाला है। तो हम बात करेंगे कि आपकी ये नोटिस जो है वो 18 जुलाई की है, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो द ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर जामिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डीन्स कमेटी एंड बिहाफ ऑफ द मजलिस तालीमी एकेडमिक काउंसलिंग हैज अप्रूव्ड फॉलोइंग एकेडमिक कैलेंडर। आ चुका है आपका सेशन 24-25 के लिए, ठीक है। यूजी और पीजी प्रोग्राम्स स्टार्ट होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पे सारी चीज़ डिटेल में है कि आपका एडमिशन प्रोसेस कि आपका फेब से स्टार्ट हो गया था 20, उसके बाद जब एडमिशन प्रोसेस क्लोज किया गया था आपका 31 जुलाई को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। यानी कि 31 जुलाई का आपका जो एडमिशन प्रोसेस वो क्लोज कर दिया जाएगा एज इसके अंदर जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपकी क्लासेस जो होगी फ्रेश बैच आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स अब ये सोच रहे होंगे कि जिनका रिजल्ट नहीं आया उनका भी क्या ऐसे स्टार्ट होगा, तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा कि आपका ये कब स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अभी रिजल्ट काफ़ी सारे पेंडिंग है सर्टिफिकेट डिप्लोमा के भी और यूजी पीजी के भी। तो उनके भी होपफुली जामिया जुलाई के एंड तक आपका कंप्लीट कर दे और एडमिशन प्रोसेस को क्लोज कर दे, ठीक है। बाकी 1 अगस्त से आपकी क्लासेस न्यू बैच की स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन जो कराया जाएगा ऑड सेमेस्टर का, वो आपका 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी विंटर वेकेशन पड़ती है आपकी 25 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक। 13 से दोबारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। देन ऊपर उसके बाद जो एग्जामिनेशन होगा इवन सेमेस्टर का, वो आपका मई में कंडक्ट कराया जाता है। देन समर वोकेशन भी आपको मिलेगी बिल्कुल अच्छे से 25 मई से लेके 15 जुलाई तक को आपको मिलेगी वोकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन वो आपका 16 जुलाई 2025 से स्टार्ट कर दी जाएगी। इस तरीके से आपका एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये है। तो बाकी जिनके आपके रिजल्ट नहीं आए हैं वो वेट कर ले, उनका भी पूरे एंड जुलाई तक के सारे एडमिशन जो है वो प्रोसेस होपफुली यहाँ पे जामिया लास्ट कर चुके कर दे, क्लोज कर दे, ठीक है। और 1 अगस्त से आपके न्यू बैच के सेशन स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो थी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।